बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो भी गम नहीं होता। अक्सर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा ना राखी वाला क्लिप है। मेरे भाई जो हैं वो इतनी अच्छी क्लिप उन्होंने भेजी थी ना, एक्चुअली हमारी तो बात हुई थी वैसे वीडियो कॉल पे, लेकिन ये सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं जो हमारी तरफ से ना राखी में गई थी, मेरी और मेरी बहन की तरफ से। तो ये कार्ड था, ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए क्योंकि मैं राखी नहीं बांध पाई थी भाई को सामने से, लेकिन उन्होंने जो क्लिप भेजी मुझे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस थी। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ ननद के पास। तो छोटी ननद है यहाँ पे, तो अपने भाई को उन्हें राखी बांधनी थी, तो हस्बैंड राखी बंधवाने जा रहे हैं यहाँ पे, और मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे सारे लोगों से आपको मैं मिलवाती हूँ। एक्चुअली इसकी जो पूरी की पूरी वीडियो है ना, हमारे फैमिली सेलिब्रेशन की केक कटिंग की सारी वीडियोज़ मेरे सेकेंड वाले चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पर आप जाके ज़रूर एक बार देखिए। अनिका और उधर चले जाइए। राखी इन्होंने बांध दी है, तिलक लगा रही हैं। और एक्चुअली ये होता है ना कि भाई को सामने से राखी बांधने का जो होता है ना मन ही कुछ और होता है और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो भेजना पड़ता है, अगर भाई ना पाए, हम ना जा पाएँ, तो वैसा तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आरती हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है ये कि जब बहन जो होती है अपने भाई को राखी बांधती है। मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन वर्चुअली हमने भी राखी की थी। और यहाँ पर एक स्वीट्स उनको खिलाई जा रही है, और ये अब खिलाएंगे अपने भाई को स्वीट्स। कहाँ है? यहीं पर ही दीदी। थैंक यू बोलिए। थैंक यू पी। थैंक यू से बोल नहीं रहा था, पी से पीहू सबका नाम लेके बोल रहा था। नहीं नहीं अभी नहीं आया। ये पापड़ आप यही छोड़ने के लिए कितने एक प्लस में चला लगा 98 99 चेक करो बार बार, तो चेक करो फिर दोबारा, तो एक पॉइंट तो माना खपा मिल देगा, तो उस समय हमने 3000 का लिए हैं का जरूरत है 95 है पर देखिए तो मेरा था ना। हां एक हम व्यवस्था करके पहले ही से रखे हुए थे, तो क्या इससे काम है? बात तो सुनिए, तो हमारा 90 होना है भाई, क्या है 95 था ना। यहाँ पे चल रही है बातचीत, और साथ में ये लोग अपना पल्स रेट और ये ऑक्सीजन लेवल ये सारी चीज़ें मतलब चेक कर रहे हैं सब लोग बारी बारी से। परी भी पहुँच गई है यहाँ, अब आई थिंक वो लगाने वाली है। देखिए आके फिंगर में अपने लगाई ली, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सबका चेक हुआ था। और ये इसके पहले ना, इन सब चीज़ों के पहले बहुत सारा धमाल हुआ था, केक कटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ उस टाइम जब घर के पास हो जाता है तो दिन भर में दो बार तीन बार चेक करते थे, कितनों लोग सांस रोके चाहे छोड़े, ये हम संतान था निश्चिंत रहते थे। अभी धार जो सारे 600-700 रुपए लाए रखा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए तो उतार दे, उतार दे, मेहंदी लगाई इसलिए कुछ हो रहा है। हमको तो टाइम ही नहीं देती है मेहंदी लगाने का, ब्रांच में है।
कोई नहीं बंद कर जीरा हां जीरा बढ़िया बेटा देखो ऊपर थोड़ा सा क्या किया बुला दो इधर दिखाने जा रही है वाह मैं बेटा के तो कितना सुंदर सुंदर बन गया जी हां ये देखिए हां हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और इस टाइम मैं थोड़ा सो गई थी दोपहर के टाइम है कि थकान हो गई थी बाबू है यहाँ पे बाबू ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है बाबू नहीं सोया था मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और कल रात को भी ना बहुत लेट मैं सोई थी लगभग मुझे सोने में ना वैसे तो मैं 10:30 बजे सोने चली गई थी लेकिन कुछ काम था तो उस चीज़ को लेके मैं 1:30 बजे तक सोई थी रात को और मैं सोई थी अभी तक तो 1 घंटे से लगभग सोई थी मैं तो देखिए मेरे लिए मेरे हस्बैंड जो है ना देखिए क्या बना के लाए हैं और ट्रे नहीं मिली है ना तो वो प्लेट में लेके आए हैं ये कॉफ़ी बना के लाए हैं थोड़ी सी गिर भी गई है पूरा भर के ला दिए ना ऊपर तक भर दिए थे तो वैसे कॉफ़ी अभी ठंडी नहीं हुई है बट देखिए कैसा तो ये रही मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी और मैं जा रही हूँ अभी कॉफ़ी पीने अभी मैं सो ही थी अभी तक तो अभी और सोने का मन हो रहा है मुझे लेकिन अभी कॉफ़ी पीती हूँ उसके बाद देखती हूँ मूड कैसा बनता है उठने का मन होगा तो फिर उठूँगी सोने का मन करेगा तो फिर सोऊंगी इस टाइम पे टाइम हो चुके हैं 5:45 बज चुके हैं 1.5 घंटे मुझे हो गए सोए हुए चाय तो आप लोग में से सबको ही पीता है लेकिन कॉफ़ी किसको पसंद है मैं कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ कभी कभार ही पीती हूँ वरना चाय ही मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जो कड़क वाली होती है ना वही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कॉफ़ी पीने के बाद जब मेरा मूड ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ मैंने बात नहीं करी है ना वहाँ बात कर लेना चाहिए तो फिर मैं भाभी से बात कर रही थी वहाँ बात नहीं कर पाई थी भाई से मॉर्निंग में ही बात हो गई थी और बाकी जगह पे जहाँ जहाँ बात नहीं हुई थी ना सारी मतलब बात मैंने यहीं पर कम्प्लीट कर ली थी और दोस्तों आप सबको पता है कि मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ छोटी से छोटी चीज़ शेयर करती हूँ तो इस टाइम पे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ब्यूटी से रिलेटेड मैंने कुछ शॉपिंग करी है वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये सारी शॉपिंग मैंने अमेजोन से करी है अगर इसमें से किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों के लिंक डाल दिए हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये इयररिंग का सेट है और ये गोल्ड प्लेटेड है तो इसमें एक नहीं है आप ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी एक्चुअली मैंने देखिए ये लिया है इसमें 24 इयररिंग है कुछ इस तरीके से है और ये गोल्ड प्लेटेड हैं और ये वाला गोल्ड प्लेटेड नहीं है बट ये वाला जो है ना 12 का सेट है ये वाला गोल्ड प्लेटेड है बिल्कुल भी तो ये मुझे पड़ा है ये एक्चुअली इसका प्राइस था 2000 समथिंग लेकिन ये मुझे पड़ा है 300 में और बहुत ही प्यारा प्यारा है एक्चुअली आप यहाँ से देखिए आप यहां से अगर देखेंगे ना तो इसमें बहुत छोटे छोटे से भी हैं जो बेबीज के लिए भी अच्छे हैं छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको डालने के लिए भी अच्छे हैं लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को भी हम गोल्ड हमारे पास होता है लेकिन नहीं डाल पाते हैं बच्चों को भी शौक लगता है कि मैं चेंज करूँ तो उस हिसाब से मैंने इसको बाई करा है कि छोटे भी हैं और बड़े भी हैं जो बड़ा साइज का है वो हम लोग भी कभी कभी डाल सकते हैं और छोटा साइज का है जो वो मेरी बेटी है 5 साल की उसके कान को छेद कराया मैंने तो उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें बाय करी है एक्चुअली ये वाला गोल्ड प्लेटेड है कलर तो जाएगा नहीं तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही अच्छा लगा बहुत कंफर्टेबल लगा अपनी बेटी के लिए भी बहुत कंफर्टेबल लगा और ये मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल इसमें 24 का सेट है पूरा का पूरा और अभी इस टाइम पे सेल चल रहा है तो सेल में और भी कम प्राइस में मिल सकता है सेकेंड वन चीज मैंने बाय करी है बैंगल बॉक्स प्लास्टिक वाला तो ये बैंगल बॉक्स रहा ये 2 का कॉम्बो है अलग अलग मैंने नहीं मंगाया दोनों मुझे कॉम्बो में मिला है 425 रुपीज का ये मिला है मुझे तो 425 में ये दोनों मुझे मिले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, 5 तो इसमें 5 बैंगल्स के सेट रखने को दिए हुए हैं अगर कम कम बैंगल्स होते हैं तो 2 सेट एक साथ भी आ सकते हैं और इसमें है 3 का सेट रखने वाला तो एक्चुअली इसमें है कि आप इसमें कलर भी चूज कर सकते हैं कलर मैंने यही दोनों का कॉम्बो गोल्डन और पिंक का मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया इसमें और भी कलर है रेड कलर का है और बाकी भी कलर्स हैं और यहाँ पे इसका जिप दिया हुआ है ये जिप भी बिल्कुल ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
और यहाँ से जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट में जो भी दिए हुए हैं ना सबका सब बिल्कुल सॉफ्ट है। और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे ये कॉर्नर टाइप का बनाया हुआ है ताकि इधर से इधर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो इसकी, और साइड में पूरा ये फिक्स है। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, जब मैं सेट करूंगी इसको बैंगल्स को अपने, तो मैं आप लोगों से जरूर दिखाऊंगी। और ये दोनों कॉम्बो में था मुझे, और ये गोल्डन कलर में है, तो ये गोल्डन वाला भी मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ हुआ है। और ये भी सॉफ्ट है बिल्कुल भी, और एक्चुअली ये मुझे, मैं जब खरीद रही थी ना तो ये वाला एक भी मुझे 450 का पड़ रहा था या 425 का पड़ रहा था, लेकिन फिर मुझे कॉम्बो में दिखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा सस्ता लगा, तो मैंने ये दोनों चीजें ले ली एक ही साथ में। तो जब भी मैं बैंगल रखूंगी आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से इसको रख रही हूँ। एंड थर्ड वन चीज मैंने बाय करी है लिपस्टिक, तो ये लिपस्टिक लैक्मे की लिपस्टिक है, और ये जो कलर है इसका रेड है, और इसका अगर मैं दिखाऊं कलर आपको तो कुछ इस तरीके का कलर है, देखिए कितना डार्क कलर है। अगर आप लाइट लेना चाहते हैं तो लाइट कलर भी अवेलेबल है, बट मुझे डार्क ही चाहिए था तो मैंने डार्क लिया है। और इसका जो कलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर खिल के आ रहा है बिल्कुल भी, आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा कि कितना खिल के आ रहा है कलर। और उसकी जो मतलब लगाते हैं ना रेजिडेंसी, मैंने एक बार यूज करके देख लिया है, बहुत ही बढ़िया है। और ये एक्चुअली इसका जो प्राइस है ना 295 है, हाँ 295 है, लेकिन ये मुझे आया है 150 में। और नेक्स्ट वन मैंने चीज मंगाई है, ये भी लिपस्टिक है, ये भी है लैक्मे की लिपस्टिक, और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसका जो कलर है आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो कलर इसका जो है ना, देखिए दोनों का कलर अलग अलग है और दोनों ही बहुत बढ़िया। ये भी मुझे मिला 150 में, 150 में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा प्राइस इसका, तो मैंने सोचा कि दोनों ले लेते हैं। और दोनों के प्राइस जो है ना 295 है, लेकिन मुझे 150 में पड़ा, तो मैंने ये सारी चीजें ले ली हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग थी। और ये शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान करके। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है लिंक, अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा आपको कमेंट में भी लिंक शेयर कर दूंगी। सो चलिए अब ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। पहनना है आपको गोल्डन छोटा वाला सबसे, हाँ गोल्डन। देखिए परी को जो मैंने ये रिंग मंगाई है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ मैं आपको पहना रही हूँ, प्लीज की जरूरत नहीं है। ये छोटा वाला जो है ना ये भी गोल्ड प्लेटेड है, तो इसमें से मैं डाल दे रही हूँ इसको, और ये वाला मैं रख दे रही हूँ, ठीक है छोटा वाला एकदम। ये वाला निकाल दीजिए, हाँ ठीक बेटा, चलिए दर्द हुआ नहीं, तो इतनी स्ट्रांग गंध है, दीजिए दर्द लगाऊंगी, तेल नहीं तल्ली लग गया है, हो गया वो वाला काम दीजिए फटाफट से। ये मेरी मेहंदी कैसी लगी है आपने पूछा था ना, तो पता है सब लोग क्या बोल रहे थे, अरे परी की मेहंदी वर्ल्ड की बेस्ट मेहंदी लगी है, कोई बीवी ऐसा नहीं लगा सकता है, पता है ऐसे हाँ। बोल रहे थे सब लोग, आप तो पूरा हैप्पी हो जाओगे, आप तो कल आपको बताई थी मैं, तो आप तो हैप्पी हो गए थे ना, है ना परी हैप्पी हो गई थी ना, गुड गर्ल है परी एकदम से। बस परी को लगा था कि दर्द होगा, दर्द तो हुआ ही नहीं, हाँ, ये लग गया वो वाला, हाँ। और यहाँ मैजिक मैजिक हो गया, यहाँ पे आके दिखाइए, पास से दिखा दीजिए कितना छोटू सा है, हाँ, इतना छोटू सा है। और ये वाला दिखाइए कान, इतना छोटू सा है, परी के कान में अच्छा लग रहा है ना, पहनना भी नहीं कभी, हाँ नहीं अब वापिस वो नहीं पहनेंगे, उसको मैं बहुत दिन से पहने थे ना, उसको फेंक दूंगी मैं, ठीक है। और नहीं बेटा ये बहुत दिन से पहने थे ना आप, कुछ दिन से पहने थे। और परी के कान में ये वाला इयर रिंग कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, ये सब मैं रख दे रही हूँ बेटा, और इसको मैं रख दे रही हूँ संभाल के, फिर कभी जरूरत पड़ी तो ये बड़े बड़े वाले मैं भी यूज कर सकती हूँ।